नमस्कार, मैं बिप्लव सिल और आप देख रहे हैं एनएच। आज दिमाशाओं के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, एक प्राउड मोमेंट जो बोला जा सकता है। आज दिमाशाओं के एक नौजवान को एक बहुत ही बड़ा अवार्ड मिला है, जहां ये अवार्ड मिला है हमारे देश के प्रेसिडेंट के हाथों से। उनको आज दिल्ली प्रेसिडेंट भवन में उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बप्पी पॉल ऑफ नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी गांधीनगर। यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स डेवलपिंग अ प्रोसेस एंड कैटलिस्ट फॉर डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एथेनॉल एज अ फ्यूचर फ्यूल। डॉक्टर बप्पी पॉल। दिमाशाओं के साथ साथ उमरांगसों के लोगों को भी आज एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि वो नौजवान उमरांगसों से थे जिनका नाम है डॉक्टर बाप्पी पॉल। उनको जो अवार्ड मिला है, उनका ये अवार्ड है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से उनको आज सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति भवन में। आइए इस विषय में हमने उमरांसू के एक सोशल वर्कर से बात किया, आइए सुनते हैं उन्होंने इस विषय में क्या कहा। ऐसा एक विषय है जो सारे डिमासाओ वासी, स्पेशली डिमासाओ के लिए एक बहुत बड़ा न्यूज़ है। ये मैं छोटा सा यहाँ बड़ा हुआ, आज तक ऐसा बड़ा न्यूज़ मैंने नहीं सुना। हर किसी को एक प्राउड फील करने का मोमेंट है इसमें, स्पेशली उमरांगसू वासी के लिए तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और बताने में इतना खुश हूँ मैं अंदर से कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ कि आज उमरांगसू में एकदम छोटा सा एरिया में रहने वाला एक लड़का, छोटा सा मैंने देखा उसको। उमरांगसू थाना के सामने उसके पिताजी का एक छोटा सा दुकान था, वो वहाँ में बैठने वाला लड़का, फिर सेकेंड हार्ट स्कूल का स्टूडेंट था वो, उमरांगसू सेकेंड हार्ट स्कूल में पढ़ा। आज वो लड़का इतना छोटा सा स्कूल से, इतना छोटा सा एरिया से जाके ऐसा एक मुकाम में पहुँचा है, इतना बड़ा सा मुकाम में पहुँचा है कि हम सभी को देख के उसका गर्व फील होना चाहिए कि यस, कि उमरांगसू में बैठ के भी हम लोग बहुत कुछ ड्रीम बड़ा देख सकते हैं। दिमाशाओं में बैठ के भी बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम हम लोग देख सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल डॉक्टर बाप्पी पाल ने आज सेट किया है। हमको बहुत खुशी हो रहा है बताने में कि आज बाप्पी पाल को, आपको भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इंडिया में बाप्पी पाल को विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से आज पुरस्कृत किया गया है उसको, राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में। ये बाप्पी पाल, डॉक्टर बाप्पी पाल जो है मेरा छोटा भाई है, इसलिए ये बाप्पी पाल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा एकदम अपना छोटा भाई जैसा है, छोटा सा, मैं उनको सब में देखा हूँ, पढ़ने भी आता था ऐसे। तो उसका आज जो इतना बड़ा एक अवार्ड मिला, उसमें इतना खुश हो गया, हम लोग सभी ने सोचा कि एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम के लिए भी उनको फ़ोन किया, निमंत्रण किया, उनको बधाई भी दिया है और बहुत सारे लोग ने बधाई दिया उनको। और इसी के साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एनएच टीम न्यूज़ चैनल्स का, जिन्होंने फर्स्ट स्टार्टिंग में जो ये न्यूज़ आया है, जो निमंत्रण आया था बाप्पी पाल को कि इनको इस अवार्ड से नवाजा जाएगा उसी दिन में, तो इस मैसेज को, इस इतना खुश मतलब हैप्पी वाला न्यूज़ को एनएच न्यूज़ ने कवर किया, सब लोगों तक पहुंचाया। हमने बहुत निगेटिव मैसेज को मैंने देखा है, लेकिन ऐसा जो बढ़िया बढ़िया मैसेज हो जो दिमाशाओं में बहुत कोना से आ रहा होगा, तो अच्छे अच्छे मैसेज को भी स्प्रेड करना, सोसाइटी में एक पॉजिटिव वाइब लाना, एक न्यूज़ चैनल्स का भी बहुत पॉजिटिव रोल होता है। इसके लिए मैं एनएच को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत बहुत मैनी मैनी थैंक्स टू द टीम।